हेलो फैमिली, ये महीना है दोस्तों जुलाई का। जुलाई का महीना पूरा होने को है और जनाब मोहम्मद रफी साहब को हमसे पिछड़े 41 साल का एक तवील अरसा गुजर चुका। 41 साल हो जाने के बावजूद आज भी जनाब मोहम्मद रफी साहब के फन को, उनकी कला को प्यार करने वाले, उनको कला को चाहने वाले दोस्तों के लिए रफी साहब आज भी हमारे दरमियान माने जाते हैं। दोस्तों 31 जुलाई जब उनका पुण्यतिथि का दिन है, उसको जब आज यहाँ पर 7 या 8 दिन बाकी है, तो हम ये आप सबसे वादा करते हैं कि आने वाले पूरे हफ्ते पर ऐसी 3 नायाब कहानी हम आपके लिए लाने वाले हैं दिल से दिल तक जेडी पर। मैं हूं जितेश दवे और आप देख रहे हैं दिल से दिल तक जेडी। दोस्तों आज की कहानी हम आप सबके सामने रख रहे हैं साल 1956 में आई होमी वाडिया जी की फिल्म हातिम ताई के साथ जुड़ी हुई। फिल्म हातिम ताई के लिए अभिनय दिया था शकीला जी और जयराज जी ने। फिल्म का संगीत दिया था S.N. त्रिपाठी साहब ने। इस फिल्म के लिए 9 गीत बनाए थे S.N. त्रिपाठी साहब ने। जाने वालों खुदा की रहमत का तुझ पे साया, आ गई बहार हाय, जो इश्क की आग में जलते हैं, झूमती है नजर, नहीं तुझको खबर, हम आजाद हो जहां दिल में प्यार हो, नखरे करती डरती, दिल किस पे आ गया है तुम्हारा। और आज जिस गीत का हमें जिक्र करना है, जनाब मोहम्मद रफी साहब की आवाज में गीत बना था परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। फिल्म हातिम ताई की कहानी कुछ ऐसी थी कि यमन का एक शहजादा, एक परी जिसको बचाने के लिए वो कोशिशें करता है, 7 सवालों के जवाब देता है और परी जो पत्थर बन गई है उसमें फिर से जान फूंकता है। इस मिरेकल वाली कहानी को जीवित करने के लिए जनाब मोहम्मद रफी साहब के गीत ने ऐसा जादू चलाया जो आज भी बरकरार है। परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा। दोस्तों पिछले हफ्ते हमें एक ऐसा मैसेज मिला कि परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा इस गीत को जब स्क्रीन पर दिखाया गया, तब हैदराबाद के निजाम ने इस गीत से इतने मुतासिर होकर के इस गीत को स्क्रीन पर 11 मरतबा रिपीट करवाया था। हमने बहुत सारे सोशल मीडियास पर सर्च किया, बहुत सारे सीनियर यूट्यूबर्स जो कि सिर्फ रफी साहब के कंटेंट की फैक्ट पर ही काम करते हैं उनका कांटेक्ट किया, लेकिन इस घटना से वाबस्ता कोई ऐसी फैक्ट घटना हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन दोस्तों तभी हमें एक सर्च इंजन पर ये सत्य घटना देखने को मिली कि जब परवरदिगारे आलम तेरा ही है सहारा ये गीत जब हातिम ताई का स्क्रीन पर चल रहा था, तब हैदराबाद के निजाम साहब ने इस गीत से मुतासिर होकर स्क्रीन पर रिक्वेस्ट की कि इस गीत को 11 मरतबा बार बार प्ले किया जाए। और सत्य घटना यही है कि इस गीत को स्क्रीन पर 11 मरतबा निजाम साहब को दिखाया गया। नूह का सफीना तूने तूफान से बचाया। दोस्तों ये गीत जब मुकम्मल होता है तब जिस अंदाज में रफी साहब ने तार सप्तक में उनकी गायकी को पेश किया है वो जिरे गौर है, सुनने के काबिल है। तेरा ही है सहारा, दोस्तों
दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर पसंद आए तो हमारी स्टोरी को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे दोस्तों रफी साहब की ऐसी ही प्यारी सी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव आवर मदर अर्थ।